दोस्तों आदाब, वेलकम, सत श्री अकाल। तो लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ चुनाव से संबंधित और एक बेहतरीन जानकारी लेकर। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ कि मतदान अधिकारी द्वितीय यानी PO2 के कर्तव्य, दायित्व एवं सावधानियाँ। आज सारी इन चीज़ों पर मैं चर्चा करूँगा कि उसके काम क्या हैं, उसको कैसे करना चाहिए। तो बहुत छोटे संक्षिप्त में आपको बताने वाला हूँ PO2 के दायित्व, कर्तव्य एवं सावधानियाँ। तो चलिए शुरू करते। तो सबसे पहले द्वितीय मतदान अधिकारी अमित स्याही का प्रभारी होता। तो दोस्तों रिटर्न तौर पर तो द्वितीय मतदान अधिकारी ही अमित स्याही का प्रभारी होता है, यानी स्याही लगाने की जिम्मेदारी उसकी होती है। आपस में समझौते के तहत कोई भी लगाए, लेकिन जिम्मेदारी ये PO2 की ही है। जब प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता की पहचान होने के बाद द्वितीय मतदान अधिकारी निर्वाचक के बाएं हाथ की तर्जनी में ये देखने की कोशिश करेगा कि इस पर अमित स्याही का कोई निशान या चिन्ह बाकी तो नहीं है, यानी ये देखने की कोशिश करेगा कि इससे पहले इसने कहीं मतदान तो नहीं कर दिया है, या पहले मतदान करके ये किसी के दूसरे के नाम पर या किसी तरीके से वोट डालने तो नहीं आया है। ये सेटिस्फाइड होने की जिम्मेदारी भी द्वितीय मतदान अधिकारी की, और संतुष्ट होने पर अमित स्याही को मतदाता की बाएं हाथ की तर्जनी पर दी गई स्टिक के माध्यम से तर्जनी के प्रथम जोड़ से, यानी प्रथम जोड़ से यहाँ जहाँ से ये नाखून जुड़ा हुआ है, इससे शुरू करते हुए नाखून के आखिर तक एक रेखा में लगाएगा, यानी यहाँ से जहाँ से नाखून जुड़ा हुआ है इस स्किन लाइन खींची जाएगी। और द्वितीय मतदान अधिकारी रजिस्टर 17A का भी प्रभारी होता है। 17A जिस पर हर मतदाता की एंट्री की जाती है, प्रविष्टि दर्ज की जाती है, उसका प्रभारी भी मतदान अधिकारी द्वितीय ही होता है। PO2 रजिस्टर 17A में मतदाताओं का उचित लेखा रखने का उत्तरदायी होता है, जिसकी पहचान की जा चुकी, यानी PO1 ने जिसकी पहचान से संतुष्ट होकर उसको आगे पहुंचा दिया है, उसकी 17A पर एंट्री PO2 दर्ज करेगा, और अमित स्याही लगाने की जिम्मेदारी भी उसी की है। PO2 रजिस्टर 17A में प्रत्येक निर्वाचक के उसे मत डालने की अनुमति देने से पूर्व हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान भी लेगा, यानी उसको मतदान करने से पूर्व जहां उसकी प्रविष्टि दर्ज हुई है उसके आगे उसके हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान जरूर लेना। PO2 प्रत्येक मतदाता को रजिस्टर 17A में प्रविष्टि अंकित कर उसे मतदाता स्लिप भी जारी करेगा। जो मतदाता स्लिप होती है, जिस पर उसका क्रम संख्या होती है, वो भी PO2 ही जारी करता है, जिसे लेकर वो PO3 के पास जाता है और मतदान की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। और PO2 ये भी सुनिश्चित करेगा कि मतदान छोड़ने से पूर्व मतदाता की उंगली पर लगी हुई अमित स्याही सूख गई है या नहीं। दोस्तों मतदाता का फोटो युक्त वोटर कार्ड यदि कोई मतदाता इपिक लेकर आता है तो 17A रजिस्टर पर PO2 EP लिखेगा, यानी इपिक कार्ड लेकर आता है तो उसके सामने EP लिखा जाएगा। और अगर कोई दूसरा दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो रजिस्टर 17A पर उस दस्तावेज का नाम तथा आखिर के 4 अंक लिखना जरूरी है, यानी वो आधार कार्ड लाया, पैन कार्ड लाया और कौन सा दस्तावेज लाया, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए हैं 14 दस्तावेज, उनमें से कोई लाता है तो उसका नाम लिखना है कि वो क्या चीज़ लेकर आया, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आया, उसके आखिर के 4 नंबर भी उस पर अंकित करना है जो डॉक्यूमेंट्स पर मौजूद होते हैं। दोस्तों तो दोस्तों आपसी तालमेल के तहत पूरी चुनाव प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। कौन किस काम को अंजाम देता है, ये पीठासीन अधिकारी अपने विवेक के हिसाब से काम करवाता है। बस आप सावधानी से अपना काम करिए, प्रविष्टियाँ अंकित करवाइए, सिग्नेचर करवाइए और पहचान सुनिश्चित करिए, इसके आधार पर आप मतदान करवाइए। और PO2 के पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, सारा रिटर्न वर्क PO2 के पास ही होता है, इसलिए PO2 की जिम्मेदारी और मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों तो सावधानी से, समझदारी से और सुकून से काम करिए ताकि आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, और मतदान समाप्ति के बाद आप अपने पूरे कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन करते हुए आप अपने स्थान पर वापस आ जाएं। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप बहुत अच्छे से मतदान करवाएंगे, चुनाव करवाएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट।